महेंद्रगढ़ में बस कंडक्टर की छात्रा के साथ अभद्रता की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मामला चरखी दादरी रोड पर गांव बांस खुड़ाना का है। गांव के बस स्टॉप पर बस रोकने को लेकर यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए छात्रा अनीता महिला सीमा ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में गांव के बस स्टैंड पर बसों के ठहराव की मांग की गई थी। उसके बाद परिवहन विभाग के द्वारा पत्र जारी कर ठहराव के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन बस चालक व परिचालक मनमानी करते हैं और बस नहीं रोकते हैं। वायरल हुआ वीडियो 12 दिसंबर का बताया जा रहा है। वहीं छात्रा ने बताया कि उसके बार बार कहने पर भी बस स्टॉप पर बस नहीं रोकी गई और उसको 1 किलोमीटर आगे उतारा गया। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यदि परिवहन विभाग व सरकार मामले पर जल्द कार्यवाही नहीं करता है तो पंचायत का आयोजन कर ठोस कदम उठाए जाएंगे। 12 दिसंबर को जब मैं महेंद्रगढ़ से अपने गांव आ रही थी तब मैंने कंडक्टर को अपने गांव उतरने के लिए बोला तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और उन्होंने यहां पे बस रोकने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले तो बोला कि ये बस जो है वो लंबे रूट की है, लेकिन जब उन्होंने जाट रोका बस को तो मैंने उनसे कहा कि इस बस को आपने जाट क्यों रोका अगर ये लंबे रूट की है। तो फिर उन्होंने दूसरा एक्सक्यूज दिया कि आपके गांव में कोई बस स्टैंड नहीं है। तो बस स्टैंड तो हमारे गांव में तभी बन गया था जब मुख्यमंत्री जनसंवाद में हमारे गांव वालों ने गांव में बस स्टैंड बनाने की जब मांग की थी, लेकिन बस के कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर ये नहीं मानते कि हमारे गांव में कोई बस स्टैंड है। जब भी उन्हें हम बस स्टैंड पे उतरने के लिए बोलते हैं तो वो फिर बुरा बर्ताव करते हैं और बदतमीजी से बात करते हैं। मैं 12 दिसंबर को जब अपने गांव आ रही थी तो उन्होंने तब भी मना कर दिया, और जब उन्होंने पहले आकोदा रोका तो उन्होंने मेरे लिए कई देर तक बस को रोका कि आप यहाँ पे उतर जाओ, हम आपके गाँव पे नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं बस से नहीं उतरी। तब जब मेरा गांव आया तो उन्होंने बस को तब भी नहीं रोका और मेरे गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे जाके उन्होंने बस को रोका और मुझे ऐसे बोला कि अब की बार तो बैठ गई हो लेकिन अगली बार सोच समझ के बैठ। को महेंद्रगढ़ गई थी, मैंने बस वाला से कही कि भाई बस में बस रोक दियो, तो बोले बस में बस नहीं रुकेगी। मैंने भाई क्यों नहीं रुकेगी, बस में बस स्टॉप नहीं है। बोले बस स्टॉप है या ना है पर बस ना रुके। मैंने भाई आदेश है मुख्यमंत्री का, मुल्की में आदेश ना, और कितने शिकायत करनी हो ना कर दी, कितनी वीडियो बनानी हो बना ली। मैंने भाई अब शिकायत तो करनी पड़ेगी जब हम इतनी मनमानी कर रहे हो, अपनी चला रहे हो। जैसे लड़की आ रही है कॉलेज से आ रही है, कोचिंग से आ रही है, तो उनके लिए भी बस ना रोक रहा। आगे एग्जाम चल रहे हैं तो लेट आ रही है लड़कियां, 7 बजे आपको तो उतारे बस। तो घर में कोई जिसके माँ बाप घर में नहीं हो और उसने घर से कौन लेने जाओगा को, तो घर में कोई साधन भी नहीं हो। ये तो है नहीं भाई सभी के घर में साधन है, बाइक है गाड़ी है। भाई हमारे जैसे भी है कोई भाई जिनके गाड़ी नहीं है बाइक भी नहीं है घर में, पापा भी नहीं है लड़कियां के, भाई विदेश में है वे, तो लड़कियां कौन लेने जाओ। मैं ये सोचू हूँ कि मंत्री है प्रधानमंत्री है योजना चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ाओ कि तो घर में तो कोई कॉलेज है ना कि भाई घर में ही पढ़ाऊंगा, पढ़ने के लिए भी बाहर भेजनी पड़ती है लड़कियां। भाई सब सुविधा सरकार ने कर रखी है तो उन पे इसी सीना चोरी दिखा रहे हैं कि वो कहा करें, बोले एक तो चोरी वो ऊपर से सीना चोरी। तो मेरा कहने का सबसे बड़े बड़े मंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई इस मेरी बात पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जावे और बेटियों को भाई अच्छी सुविधा दी जावे कि भाई आगे बेटी कुछ विकसित हो पढ़े लिखे और कुछ आगे अपने भविष्य के लिए कुछ कर पाए। तो सभी से निवेदन है बड़े बड़े मंत्रियों से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द करी जावे, और ये जो कंडक्टर है ड्राइवर है हम सब बदतमीजी से बात करते हैं और आप जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।